एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए और ही टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्ण और राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। और आज का जो वीडियो है वो है चतुर्मास में कुछ विशेष नियम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्या विशेष उनके नियम है, तो इस पर हम बात करेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दान से। दान क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत कंफ्यूज है ज़िंदगी में, इतना कंफ्यूज आ गए हैं, समझ में नहीं आता क्या दान करें। चतुर्मास में क्या दान करना चाहिए? खाने की वस्तु, सबसे पहले खाने की वस्तु में ये नहीं है कि नहीं हमें दाल चावल ही दान करना, आप बिस्किट दान कर सकते हैं, जरूरतमंद को चाय पिला सकते हैं, भूखे को ब्रेड पकौड़े खिला सकते हैं, समोसा खिला सकते हैं, जरूरतमंद को फल दे सकते हैं, ये चीज। चप्पल, दिख रहा है कोई नंगे पैर है, जरूरत है उसे, उसकी चप्पल टूट गई है, चप्पल का दान जरूर करें। छाते, लगता है कि कोई ऐसा ठेले वाला है जो ठेला लगाता है लेकिन उसे छाते की जरूरत है, उसे छाता जरूर दिला दें या खुद लेकर दे दें। ऐसे होता है ना, जगह जगह आप जाते हैं, घूमते हैं बरसात में, जैसे पिछले साल की मैं बात बताऊं, हम लोग जगह खड़े थे तो एक बुड्ढे वाले भैया थे, बुड्ढा बूंज रहे थे वो, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो छाता खरीद के लगा लें, वो भीगते रहते थे बेचारे। तो मैं एक बार निकली वहां से, मुझे बुड्ढे बहुत पसंद है, तो एक बार मैंने और बुड्ढे खाए, फिर मैंने उनको 500 के नोट दिए, मैंने 500 रुपये लीजिए, अपनी एक अच्छा छाता लाइएगा, उसको लगाइएगा जरूर, मैं कल फिर आऊँगी देखूंगी आपने छाता लगाया कि नहीं। मैंने उनको खुद पैसे दिए, खैर वो छाता लेके अगली बार उन्होंने लगाया और बहुत एहसान मानते इस बात का। खैर, लेकिन मुझे चूंकि दान करना था, ज़रूरतमंद को, ठीक है, छाते का दान ज़रूर करें। कपड़े, लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पर फटी शर्ट है, उसे एक शर्ट दिला दीजिए, लगता है फटी बनियान पहने, उसको बनियान दिला दीजिए, मोजे फटे पहने तो मोजे दिला दीजिए, लगता है कि रूमाल की क्षमता है तो रूमाल ही दिला दीजिए, जो क्षमता है। दान व्यक्ति हमेशा अपनी क्षमताओं के और अपनी कमाई के आधार पर ही करता है, लेकिन दान हमें करना जरूर चाहिए, ठीक है। वैसे तो लोग गौ माता का भी दान करते हैं, अगर क्षमता है तो गौ माता का दान कर दें, नहीं है तो गौ माता को घास ही खिला दीजिए, यह भी दान है, ठीक है। धन का दान, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, अगर लगता है कोई जरूरतमंद है उसको जरूर दें। गुड़ का दान, कपूर का दान, मंदिर में कपूर का दान करें, अभी कोई मंदिर है जैसे जा रहे हैं आप तो पुजारी को कपूर जरूर दें। जूते का दान, जैसे चप्पल जरूरी है वैसे जूता जरूरी है। फल का दान, ऋतु अनुसार फल जो भी उपलब्ध हो उनका दान करें। पका हुआ भोजन भी दान दे सकते हैं, कच्चा भोजन दान में दे सकते हैं, शहद दान कर सकते हैं, इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं दान में, जो आपकी क्षमता में हो आप उसका दान करें, ठीक है। लगता है कि हाँ ये हमारी क्षमता में है तो हमें उन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। हम जो चीज़ों का दान क्यों करते हैं? दान करने से हम जो भी दे रहे होते हैं ईश्वर के नाम पर उसमें वृद्धि होती है। हमने अपने 10 रुपये में से 2 रुपये दान किए तो उसमें 10 रुपये की वृद्धि होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जो इस जन्म में दान करते हैं हमें अपने अगले जन्म में वही प्राप्त होता है। तो जो भी दान करें ज़रूर सब कुछ दान करें ताकि आपको अपने अगले जीवन में सब कुछ मिले, पहनने के लिए कपड़े मिले, खाने के लिए खाना मिले, घूमने के लिए गाड़ी मिले, रहने के लिए घर मिले, है ना। तो इस तरीके से दान करें ताकि आपको अपने अगले जन्म में सब कुछ प्राप्त हो सके, किसी चीज़ की अभिलाषा ना रह जाए कि ये हमारे जीवन में हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दान सदैव करते रहें, ये कलयुग है, दान के भरोसे ही उद्धार है इसमें। चतुर्मास में क्या ना खाएं? मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। दूध का त्याग करना चाहिए, सावन के महीने में बैक्टीरिया बहुत बढ़ते हैं, साइंस भी कहता है इन महीनों में हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। शक्कर, दही में बैक्टीरिया अत्यधिक हो जाते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। बैंगन, पत्तेदार हरी सब्जी बरसात में ये नहीं खानी चाहिए, ठीक। नमकीन मिठाई दूध से बनी हुई, सुपारी, मांस, मदिरा, पान, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, शहद, गुड़, मूली, उड़द, लहसुन, प्याज, मशरूम, मशहूर, इन चीज़ों का हमें त्याग करना ही करना चाहिए। कुछ
कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी हमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, बस इतना बता दीजिए। क्योंकि प्याज भी सेम विधि से उगाई जाती है और आलू भी सेम विधि से उगता है, तो जब हम आलू खा सकते हैं तो प्याज क्यों नहीं खा सकते। बहुत सही बात है ये कि जिस विधि से आलू उगता है उसी विधि से जो है वो प्याज उगती है और उसी विधि से लहसुन उगता है, लेकिन हम लहसुन प्याज को त्याग देते हैं। हिंदू मॉर्फोलॉजी में तीन प्रकार के भोजन हैं, तामसिक आहार, राजसिक आहार और सात्विक आहार। जब तक पूजा करने वाले व्यक्ति सात्विक आहार हो, जब तक पूजा न करने वाले तामसिक और राजसिक आहार हो। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे आलू उगता है वैसे ही प्याज उगती है, लेकिन फिर प्याज को क्यों नहीं खाया? प्याज में क्या दोष है? ऐसा कौन सा प्याज मांसाहारी हो गई? नहीं, प्याज मांसाहारी है। प्याज और आलू को उगाने का प्रोसेस सेम है, सेम तरीके से उगाई जाती है, लेकिन नेचर जो आलू का नेचर है वो सात्विक की तरफ है, जो प्याज का नेचर है वो तामसिक की तरफ है। जैसे छोटा सा उदाहरण, दुनिया में सभी बच्चे एक ही तरीके से पैदा होते हैं, वो चाहे IVF से हों और चाहे नेचुरल हों। जो नेचुरल कंसीव हो लेते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं, जिनका IVF का प्रोसेस होता है उनके बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे धर्म की तरफ चले जाते हैं और कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा सा मार पीट ये वो उसमें उलझ जाते हैं। क्यों? दोनों का प्रोसेस तो सेम हुआ, फिर सभी इंसान सेम क्यों नहीं है? सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं है? ठीक इसी तरीके से प्याज की जो नेचर है, प्याज की जो प्रवृत्ति है वो तामसिक है, आलू की जो प्रवृत्ति है वो तामसिक नहीं है, वो राजसिक है। आप प्याज खाएंगे, लहसुन खाएंगे तो ये आपके शरीर में ताम को बढ़ा देंगे, और जब ताम बढ़ जाएगा तो पेट में गैस होगी, एंजाइटी होगी, एसिडिटी होगी, जिसके वजह से आप एक स्थान पर बैठकर ध्यान तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब पेट में गैस होगी, पेट गड़बड़ होगा, पेट साफ नहीं होगा तो आपका ध्यान आपके पेट में अटक जाएगा, तो फिर आप पूजा में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। एक स्थान पर बैठ के आप ध्यान नहीं कर सकते, इसीलिए जो साधु होते हैं वो सात्विक आहार लेते हैं कि उनका पेट भी भरा रहे और वो पूजा पाठ भी कर सकें, इस वजह से, ठीक है ना? तो अगर हमने प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया तो पेट तो पेट ही है ना भैया, वो उबाल मार देगा, और जब पेट साफ ही नहीं होगा तो हमारा ध्यान पूजा पाठ में कैसे लगेगा? हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, हमें स्नान करना है। कुछ लोगों की आदत होती है वो जब तक फ्रेश नहीं हो ले तो वो स्नान ही नहीं कर पाते, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो गए लेकिन अब आप फ्रेश ही नहीं हो पा रहे। अब आप पूजा करने चले तो गए लेकिन अगर आप फ्रेश ही नहीं हो पाए तो क्या मतलब आपकी इस पूजा का? इसीलिए हमें सात्विकता का पालन करके पूजा करनी होती है ना, उन चीज़ों से परहेज करना होता है जो सात्विक नहीं है, जो तामसिक है। तामसिक आहार आपको ध्यान नहीं करने देगा, तामसिक आहार आपके शरीर को जो है वो बस में नहीं रखेगा, आपके मन को विचलित करता रहेगा। जैसे आपने बर्गर खाया फिर मन करेगा इससे अच्छा बर्गर खा लें, फिर पिज्जा खाया फिर उससे अच्छा पिज्जा खा लें, तो उससे आपको दिक्कत होगी। पत्तेदार सब्जियां सावन के महीने में हम नहीं खाते हैं, क्योंकि बरसात हो रही होती है तो हमें ये सब्जियां नहीं खानी चाहिए, इन सब्जियों में अत्यधिक बैक्टीरिया होता है और हमने खा लिया तो हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में हमारी पाचन क्रिया भी कमजोर पड़ जाती है। तो जब हम इस तरीके से साधना व्रत जब तक करते रहते हैं तो एक तो हम भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं, दूसरा हम अपनी बॉडी को फिल्टर होने का टाइम दे रहे होते हैं, हमारी बॉडी फिल्टर हो रही होती है और चीज़ें नेचुरली ठीक हो रही होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, आप लॉकडाउन जब हुआ था याद करिए कि ऑटोमेटिक नदियाँ क्लीन हो गई, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएँ चल रही थी, कहीं ये योजना कहीं वो योजना, और ना गंगा क्लीन हो पाई ना जमुना क्लीन हो पाई, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ देखिए चलने वाली हवा, इसी कलयुग में लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, इसी कलयुग में चलने वाली हवा साफ हो गई, हिमालय पता नहीं कहाँ से नजर आने लगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी पहाड़ियाँ दिखने लगी, जो नदियाँ साफ नहीं हो पा रही थी वो ऑटोमेटिक उन्होंने खुद को खुद ही साफ कर लिया। तो ये फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। तो अगर आप अपने शरीर पर खुद ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आप कलयुग को दोष देते रहिए चाहे किसी को दोष देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने मन को खुद साफ करना है, अपने शरीर को काबू में करके, शरीर काबू में आ जाएगा
तो आप संयम में आ जाएंगे, और जब संयम आएगा तो संतुलन बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा तो मन वश में हो जाएगा, और मन वश में हो जाएगा तो भावनाओं पर आपकी अपनी पूरी पकड़ होगी, आपका बुद्धि विवेक एकदम सही ढंग से काम कर रहा होगा। तो पूजा पाठ का ये भी एक मतलब होता है। तो जो एक कमेंट आया था कि दीदी प्याज लहसुन एक ही तरीके से उगाते लेकिन खाते नहीं, तो उसका ये बड़ा कारण है। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, बाय बाय।